हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेकनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, डीआरडीओ की वैकेंसी है। डीआरडीओ मीन्स सर तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो डिफेंस के पर्पज से जितने सारे भी रिसर्च होती है वो इस ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करवाती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको फॉर्म आया है वो किसका आया है, तो टेक्नीशियन का आया है आईटीआई वालों के लिए, और डिप्लोमा वाले के लिए आया है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का। फॉर्म फिलअप हो रहा है और लास्ट डेट आपका 23 से 25 कर दिया गया है। जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वो, अब जो भी रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं फॉर्म नहीं भर पाए थे 23 सितंबर तक, तो वो 25 सितंबर तक अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। अब बातें हैं, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आ रहा था, सर इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करिए, सिलेबस के बारे में। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे कि क्या है डीआरडीओ इस बार का सिलेबस, और ये सिलेबस आईटीआई वालों के लिए क्या है, डिप्लोमा वालों के लिए क्या है, कैसे इसमें क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, किसका वेटेज कितना होगा, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे। एक बार फिर से मैं यही कहना चाहता हूं कि जी जान से लगा दीजिए मेहनत। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या सीएस हो, डीआरडीओ में जो रुतवा है काम करने का, वो रुतवा और कहीं भी नहीं मिलेगा। समझिए कि एक तरह से जिनका, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको डिफेंस में जॉब करने की चाहत रहती है, बट डिफेंस में चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, वो ज्वाइन नहीं कर पाते किसी कारणवश से। तो आप वो जो सपना है ना, इस डीआरडीओ में ज्वाइन करके आप वो पूरा कर सकते हो। लाइक है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आती है, तो सारे डिफेंस में जो फैसिलिटी अदर डिफेंस में मिलती है, वो फैसिलिटी यहाँ पे भी आपको मिलेगी। क्या होगा इसका, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो उसी से रिलेटेड आपको मिलेगा। चलिए, इस वीडियो में हम लोग इसके सिलेबस पे बात करने वाले हैं, तो चलिए इसके सिलेबस की ओर चलते हैं। ये हमारा डीआरडीओ का, ये क्या है हमारा, तो ये हमारा नोटिफिकेशन जो इस बार का है, वो नोटिफिकेशन, इसका एग्जाम सितंबर कंडक्ट करवाने वाली है। ये क्या है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट के अधीन ये आती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग ये वर्क करती है। तो ये जो है, ये क्या है, कैसे है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये 23 सितंबर तक लास्ट डेट था, पर इसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया गया है, तो 25 सितंबर 2022 कर दिया गया है। किसके लिए, तो जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उसके लिए। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है टू बी अनाउंस्ड ऑन डीआरडीओ वेबसाइट, एग्जाम कब होगा तो वो बताया जाएगा डीआरडीओ के वेबसाइट पे, तो वो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, तो इसके सिलेबस की चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे दो पोस्ट के लिए वैकेंसी आया था, एक ये नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है। इसमें क्या है, तो ये ग्रुप बी की वैकेंसी है, किसकी, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की। किसके लिए, तो ये है डिप्लोमा वालों के लिए। ये किसके लिए है, तो डिप्लोमा वालों के लिए, ये डिप्लोमा वालों के लिए, डिप्लोमा जिन्होंने भी इलेक्ट्रिकल से किया है, इलेक्ट्रॉनिक से किया है, सीएस ब्रांच के स्टूडेंट है, सिविल के हैं या फिर मैकेनिकल के हैं, उन सभी के लिए है। और भी बहुत सारे बीएससी स्टूडेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारे से भी अगर आप लोगों ने किया है तो वो भी इस पे इलेक्जिबल है। क्या है, क्या है, चलते आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। तो सिलेबस की बातें करेंगे इसमें, देख रहे हैं बीएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के लिए है, बॉटनी वाले के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए है, केमिस्ट्री सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है। जिन्होंने चाहे तो डिप्लोमा किया हो या फिर बीएससी किया हो, वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, डिप्लोमा वाले के लिए या फिर बीएससी डिग्री वाले के लिए भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें अगर बीएससी है, फोटोग्राफी में आपने बीएससी किया है, फिजिक्स में बीएससी किया है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में बीएससी किया है या फिर डिप्लोमा, सब इलेक्जिबल है इस पोस्ट के लिए। साइकोलॉजी है, बीएससी इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर टेक्सटाइल में आपने डिप्लोमा किया है या बीएससी किया है, जूलॉजी और नर्स अगर आपका बीएससी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सुनहरा अवसर आपके लिए डीआरडीओ लेके आया है, इसको जाने मत दीजिएगा, और डिप्लोमा वाले के लिए तो कहना नहीं है, ये ऐसा सुनहरा अवसर बार बार
नहीं होता। चलिए हम लोग देखते हैं इसके सिलेबस आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए क्या रहने वाला है इस बार का, इसकी चर्चा कर ले। तो चलिए सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं और ये रहा हमारा सिलेबस एनालिसिस आ गया। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डिप्लोमा वाले के लिए। डिप्लोमा को सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, ये जो है ये किसके लिए है, तो डिप्लोमा वालों के लिए है। इसका एग्जाम का जो स्कोप है वो कैसे होगा, स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, ननटेक का होगा सर, टेक्निकल होगा क्वेश्चन, कैसे होगा, ये सारी बातें तो मैं आप लोग को बता दूं। इसमें देखिए मोड ऑफ टाइप एग्जामिनेशन, सबसे पहला यहाँ पे क्या है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फॉर स्क्रीनिंग। ये क्या है, तो सिर्फ ऐसे ही स्क्रीनिंग होगा, क्वालिफाइंग नेचर के लिए होगा। तो सर क्या क्वालिफाइंग नेचर कहने का मतलब जितना है उतना कर देंगे, क्वालिफाई 40% है तो 40% तो हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, जी नहीं, ये सोचने की बात नहीं है। यहाँ पे आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। तो चलिए इसकी बातें करते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो सीबीटी है उसमें टेस्ट कॉमन टू ऑल पोस्ट कोड, याद रखिएगा जैसे डिप्लोमा में अलग अलग पोस्ट कोड है, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सीएस हो गया, फिर ऑटोमोबाइल हो गया, मतलब अलग अलग के लिए सभी के लिए ये क्या है, कॉमन टेस्ट होगा। और ये कॉमन टेस्ट है उसमें क्वेश्चंस कितने होंगे, तो टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, टोटल मार्क्स कितने होंगे 120 होंगे, और ड्यूरेशन कितना होगा तो 90 मिनट होगा, इट मींस एक पूर्णांक एक छोटा दो आवर्स, मतलब डेढ़ घंटे का आपको टाइम मिलेगा इस एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। सर यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा तो याद रखिएगा, फर्स्ट जो पेपर ये कॉमन टेस्ट होने वाला है इसमें आपको ननटेक का क्वेश्चन आएगा। ननटेक बोले तो कौन कौन सा पेपर आएगा सर, कैसे रहेगा ये बता दीजिए। तो देखिए क्या कह रहा है, तो इसमें होगी क्वांटिटेटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड, बोले तो मैथमेटिक्स जिसको आप लोग कहते हैं, जनरल कंपटीशन के जो मैथ के सवाल होते हैं, जैसे आपका रेशियो हो गया, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, समझ रहे ना, ये सारे परसेंटेज हो गया, वो एलजेब्रा हो गया, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग आप लोग समझ रहे हैं, जनरल इंटेलिजेंस और इसके साथ साथ है जनरल अवेयरनेस, इस बात को समझिएगा। जनरल इंटेलिजेंस वो जो आपके टॉपिक इसमें एड हो जाते हैं, जैसे जीके जीएस से रिलेटेड, और इसमें आपके करंट अफेयर्स बहुत मायने रखते हैं, सारे चीज के करंट अफेयर्स यहाँ पे। देखिए डिटेल में इसका कोई वैसा सिलेबस ये जारी नहीं करता, बट हाँ सब कॉमन है, आप लोग जानते हैं कॉम्पिटेटिव में सारे में कॉमन होते हैं कुछ पॉइंट, तो वो है टुडे लाइफ से रिलेटेड, अभी के समय में जो चल रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे जीके जीएस पूछ लिया जाता है, करेंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश लैंग्वेज होगा जो कि बेसिक नॉलेज, देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश कोई हार्ड नहीं, तो आपको बेसिक नॉलेज का आएगा। इंग्लिश में क्या पूछा जा सकता है, तो आपके टेंस हो सकते हैं, प्रोपोजिशन हो सकते हैं, और फिर आपके उसमें फ्रेज हो सकते हैं, फिर आपको टेंस से आ सकता है, नरेशन से आ सकता है, ये सारा इरर आ सकता है, इरर आ सकता है, तो वो सारा यहाँ पे कोई एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा और उससे आपको क्वेश्चंस दो चार रहेंगे, इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद है जनरल साइंस, जनरल साइंस में तीनों हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका ननटेक का। अब आएगा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, सर क्या ये फर्स्ट वाला एग्जाम है, इसमें 90 मिनट का समय मिलेगा, 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स को होंगे, तो क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि यार क्या सर नेगेटिव मार्किंग होगा। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं, फर्स्ट में शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो कैसे सर आप कह सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको, आगे नीचे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, स्क्रीनिंग क्राइटेरिया कह रहा है कि टीयर वन एग्जाम इज फॉर स्क्रीनिंग, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टीयर वन इज 40%। अब देखिए सर क्या हम 120 का 40% मार्क्स ले आएंगे तो क्या हम पास हो जाएंगे, जी नहीं, ये सिर्फ है क्वालिफाइंग के लिए, इतना आपको लाना ही लाना है, बट जितना ज्यादा आप लाओगे, यू आर ओबीसी के लिए 40% है और 35 है एसटी एससी के लिए, तो जितना ज्यादा आप इसमें लाओगे, इसमें भी आपको क्या होगा एक लेवल बनेगा, बोले तो कट ऑफ इसमें भी होगा कि कितना मार्क्स पे कट ऑफ आता है, तो वो हाइयर से हाइयर जितने लोग एपियर ला सकते हैं उससे चुना जाएगा, कितना चुना जाएगा वो भी यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है, देखिए कैंडिडेट विल बी
प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन टीयर वन एग्जामिनेशन मेरिट इन द रेशियो ऑफ 1:8। देखिए जितने नंबर ऑफ वैकेंसी है आपके पोस्ट में, जो भी आपके कैटेगरी से जितनी वैकेंसी है, उस कैटेगरी से अगर एक पोस्ट है तो उस पे 8 कैंडिडेट को इस 1:8 के रेशियो में आपको सिलेक्शन किया जाएगा। मान लिया जाए एक डिप्लोमा सिविल के लिए, सिविल वालों के लिए 8 पोस्ट की वैकेंसी है ओबीसी पे, तो 8 × 8 कितना हो जाएगा, 64 कैंडिडेट को चुना जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग जोड़ सकते हैं। उसके बाद इस बात को समझिए, और इन्हीं 8 गुना स्टूडेंट को बैठने का मौका मिलेगा किसमें, तो सीबीटी 2 में, ये जो होने वाला है सीबीटी 4 प्रोविजनल सिलेक्शन, और इस पे होगा। और ये क्या होगा, तो ये टेस्ट स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, जैसे आप मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल के क्वेश्चन आएंगे सिर्फ, और इसी पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आएंगे, इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आएंगे, और इसका जो टोटल क्वेश्चन होने वाला है वो 100 रहने वाला है, और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 100 होने वाला है, और आपको 90 मिनट का इसमें भी टाइम मिलेगा। और जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस पे होगा सर, फर्स्ट के बेसिस पे होगा या सेकंड के बेसिस पे होगा, क्या इन दोनों के बेसिस पे होगा, तो चलिए इसको भी हम लोग आगे देखते हैं। क्या कह रहा है कि हाउ एवर दिस रेशियो मे बी इंक्रीज एंड डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। देखिए इस रेशियो को घटा बढ़ा भी जा सकता है, ये डीआरडीओ अपने को सिप्टम है जो बोर्ड ये एग्जाम करवा रहे हैं उसके अनुसार वो घटा बढ़ा सकता है, वो आप सकता है अनुसार, उसके नियम के अनुसार है। कह रहा है कि द लास्ट कैंडिडेट सिक्योरली इक्वल मार्क्स द ब्रैकेट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड, दिस प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड टू टीयर ए। अगर किन्हीं दो स्टूडेंट का मार्क्स मैच करता है जिसके कारण से वो 8 के जगह पे 9 स्टूडेंट हो जाते हैं एक पोस्ट पे, तो उनको भी मौका मिलेगा अगले एग्जाम को बैठने के लिए, सीबीटी 2 में बैठने के लिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा सर, कह रहा है कि प्रोविजनल सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि सिलेक्शन किस पे होगा सर, इस बात को ध्यान देना है। फर्स्ट तो सिर्फ एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम में अगर आप पास हो रहे हो, आप कट ऑफ में आ रहे हो, तो आपको वो किस लिए है, सेकेंड एग्जाम में अपीयर करने के लिए, सेकेंड एग्जाम में अपीयर करने के लिए। लेकिन सर सिलेक्शन किसके बेसिस पे होगा, सिलेक्शन किसके बेसिस पे होगा सर, ये तो बताइए सिलेक्शन किसके बेसिस पे होगा। तो ये सिलेक्शन जो होने वाला है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, तो द प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर मेरिट ऑब्टेन इन टीयर टू। चलिए इसका मतलब जो हमारा मेन है वो सिलेक्शन के लिए वो टीयर 2 है, जितना मार्क्स आप इसमें स्कोर करोगे इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, बट इसमें अपीयर होने के लिए इसमें आपको अच्छा करना पड़ेगा। इट मींस देयरफॉर यहां पे रिक्वायरमेंट है बाबू अभी आपको नन टेक की तैयारी को मजबूत करने के लिए, और इस नन टेक की तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए, बस अपने को इतना समझ लो कि मेरा अगला दिसंबर में क्या है, सेमेस्टर एग्जाम है, और फोकस करो अपने को इस पे, और इसके साथ साथ टेक्निकल को भी लेकर के चलना है, इसका साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि अगला इसमें पास हो जाओगे लेकिन सिलेक्शन तो इसके ऊपर होते तो इसको छोड़ना नहीं है, बट अपने को इस पे फोकस करना है, क्योंकि इसमें पास हो गए तभी आप इसमें आओगे, लेकिन बस अपने को रेडी रखो कि अपने को एग्जाम है कितने में, दिसंबर में होने वाला है अपने को, ऐसा ऑफिशियली नोटिस नहीं आया कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला, बट पिछले बार देखा गया था 1-2 माह में एग्जाम ले लिया गया था 2018 में जब वैकेंसी आई थी, इस बार भी अगर एग्जाम 1-2 माह के अंदर में हो जाता है तो आपको इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। बस दिल को ये कहो कि बस ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है, और पूरा ताकत लगा देना है इस लास्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स के लिए, सिलेक्शन के लिए ताकत लगा देना है, बस अपने आपको इतना समझाना है और मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, तो इट मींस जो हमारा सिलेक्शन होगा वो किसके अनुसार होगा, तो सेकंड वाले के अनुसार होगा, सीबीटी 2 के अनुसार होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर में सिलेबस के एनालिसिस पे हम लोगों ने चर्चा किया।
अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आपको मिलेगा, आप कमेंट कीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।